प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि 20 अप्रैल को हमको अपनी गतिविधियां ये बढ़ानी है, और इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जितने भी छूट हमने पहले दी थी उस छूट को और थोड़ा बढ़ाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो उस छूट को बढ़ाने के लिए हमने जो अभी तक निर्णय किए हैं उनमें से कुछ निर्णय आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जितने हमारे भट्ठे हैं, जो ब्रिक क्लंस हैं, उनको सबने हमने खुलवा दिया है। लगभग 2,07,000 ऐसे कर्मचारी जो है उसमें वहाँ काम कर रहे हैं, मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो उद्योग हैं उनको भी MHA की गाइडलाइंस, गृह विभाग मंत्रालय की जो दिशा निर्देश है, उनके अनुरूप खोलने का काम हमने किया है। और हमारा एक अनुमान है, एक आंकड़ा है कि लगभग 5.5 लाख मजदूर और कर्मचारी वो 20 अप्रैल के बाद काम में लग गए हैं। लेकिन कल से ही इसका जो तीसरा फेज है इसको भी हमने शुरू करने के लिए कह दिया है। इसमें पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा है। एक 15 जिले वो हैं जहाँ कोरोना का प्रभाव कम है, 7 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना का प्रभाव पिछले महीने में अप्रैल के महीने में वो ज़्यादा बढ़ करके दिखा है। जिन 7 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद और इसके साथ पलवल, 9 जिला सोनीपत, पानीपत और पंचकुला, ऐसे 7 जिले हैं। तो इन 7 जिलों में हम योजना अपनी ब्लॉक अथवा टाउन के हिसाब से बनाएंगे, शेष 15 जिलों में पूरे जिले के हिसाब से ही हम उस योजना को सारे को रखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से जितने भी इन सीटू उद्योग हैं, अर्थात कर्मचारी उद्योग के स्थान पर उसी परिसर में रहते हैं, दिन रात वहीं काम भी वहीं करते हैं, रहने का स्थान भी उनका वही है, वहाँ सभी कर्मचारियों को कार्य करने की छूट होगी, उसके अंदर सब लोग काम करेंगे। शेष IT क्षेत्र के अंदर 33%, यह हमने 33% की छूट उनको दी है कि 33% कर्मचारियों के साथ अपना उद्योग चलाएं। शेष अन्य 50% की छूट के साथ ये लोग अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो सभी जिले 15 जिलों के अंदर बात करें या जो 7 जिले हैं उसमें ब्लॉक के हिसाब से उन ब्लॉक्स में छूट दी गई है जहां 10 या इससे कम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या रही हो, जहां 10 या इससे अधिक पिछले महीने में संख्या रही है, वहां पर थोड़ा सा सख्ती इसलिए बरतनी पड़ेगी ताकि कोरोना का वहाँ फैलाव न हो। वहाँ जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में तो कोई गतिविधि चालू नहीं होगी, लेकिन बाकी जगह पर गतिविधियाँ ये चालू होंगी। दुकानें भी शहरों में, मोहल्ले की दुकानें, और जहाँ कहीं केवल अकेली दुकान है, ऐसे स्थान पर जो मार्केट का हिस्सा नहीं है, इन दुकानों को छूट दी गई है। गाँव में सभी दुकानों को, छोटी बड़ी सब दुकानों को खोल दिया गया है। ये भी सब जो भी हमारी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये हमने सब कुछ किया है। एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से अपने कम मजदूरों से काम चलाने के लिए आगे आएंगे, अर्थात 50% की जो संख्या उनको बताई गई है उसी से अपना उद्योग चलाएंगे, वहाँ उनके वर्किंग आवर्स में उनको छूट दी गई है कि वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक भी उन मजदूरों से काम ले सकते हैं। लेकिन ये जो धारा 59 ये जो एक्ट है हमारा, कारखाना अधिनियम 1948, इसकी धारा 59 के अनुसार उन सबको अतिरिक्त 4 घंटों का जो वेतन है, अर्थात ओवर टाइम का वेतन, ये डबल देना होगा। और इस नाते से एक कर्मचारी से 12 घंटे तक भी काम करने की सहमति वो लोग बना सकते हैं, ये भी एक छूट उनको दी गई है।